मन के महल में हमरा हो, मन के महल में हमरा, छुपके से झांक के दिल ले गइल सबर की कनखी से ताक के, दिल ले गइल सबर की कनखी से ताक के। नमस्कार, मैं हूँ आशी तिवारी, संगीत भोजपुरी से, और आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ यहाँ पे बैठा हूँ जिनकी कहानी सुन के आप रो देंगे। विशाल जी, स्वागत है आपका संगीत भोजपुरी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो संगीत भोजपुरी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें यहाँ सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका आशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, मैंने देखा है आपके वीडियोज़, मिलियन मिलियन हिट्स हैं उस पे, तो आपकी कहानी भी मैंने सुनी। इनफैक्ट मुझे याद है जब आप शो कर रहे थे तो मैंने देखा भी था, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। तो कहाँ से आया कि मुझे सिंगर बनना है? एकदम आम, एक आप लोगों को पता होगा, ऑटो चलाते थे, रिक्शा भी चलाया, हाथ वाला रिक्शा भी चलाया इन्होंने, और मतलब मैं खुद ही, हमारी आवाज़ नहीं आती है कभी कभी। पूछेंगे इनसे कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये सिंगर बने, आज करोड़ों लोग इनको प्यार करते हैं, आखिर वजह क्या है। मेरा बचपन से ही सपना था एक्चुअली सिंगर बनने का, और मेरी एक था कि मैं टीवी करूं, मूवीज़ में प्लेबैक करूं। जब से मैंने अपना होश संभाला, आई थिंक मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और जब मैं 8-9 साल का था तो दिल्ली में एक शॉप, चाय की दुकान पे काम करता था, तो दादा के गाने बजते थे, तो दादा के गाने सुनना तो सेठ क्या होता था, कभी कभार रेडियो बंद कर देता था, क्या साला फोकट में काम धंधा करता नहीं, हर दिन गाना सुनता रहता है, गुनगुनाता रहता है। तो एक जुनून था कि करना है, मतलब सिंगर बनना है, और इतना नॉलेज नहीं था, और सोचा कि टीवी पे जाना है और मेरे को भी लोग देखें, जाने पहचाने। तो धीरे धीरे वहाँ से फिर मैंने साइकिल रिक्शा चलाना सीखा, कुछ टाइम साइकिल रिक्शा चलाया, क्योंकि उतना वो नहीं होता था कि फुटपाथ पे सो जाना रात को रिक्शा चला के, और सुबह फिर कुछ टाइम मैंने फल बेके, भाजी बेकी। तो गाने का इतना तगड़ा शौक़ था कि फुटपाथ पे जो किताबें आती थी पहले, गाने शायरी वगैरह, तो वो बेचना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जहाँ मैं जिस दौरान मैं साइकिल रिक्शा चलाता था, तो वहीं पीछे एक पेट्रोल पंप पे रिक्शे वाले खड़े होते थे, तो उस टाइम लमडेटा का टाइम था, मैं छोटा था, तो उनकी रात को गाड़ी धोता था जब मैं, वो लोग रात को नाइट में चलाते थे, तो नाइट में गाड़ी धोता था उनकी, तो उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे भी ऑटो रिक्शा चलाना सीखना है। तो काफ़ी दिन मेहनत किया, काफ़ी मशक्कत करने के बाद मैंने वो चलाना सीखा। तो मैं क्या करता था, रिक्शा चलाता था तो गाता था, तो दादा के गाने गुनगुनाने, तो मतलब किसी को अच्छा लगता था, किसी को नहीं अच्छा लगता था, लेकिन वो मेरा पैशन था कि मैं किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई, मैं अकेला खड़ा हूँ, भीड़ में खड़ा हूँ, कहीं भी खड़ा हूँ, तो मैं नहीं छोड़ता था। और मूवीज़ देखने का मुझे बड़ा शौक़ था, गुनी जन के सबके गाने सुनना। एक टाइम ऐसा भी होता था कि कभी कभार खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता था। क्यों नहीं जुटा पाता था? क्योंकि सपोर्ट था नहीं कुछ भी। जब छोटे छोटे बच्चे, सुबह जब मैं चाय की दुकान पर काम करता था, या मैं अपने रिक्शे में बिठा के छोटे छोटे बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, तो आई थिंक मैं भी सोचता था कि यार काश मैं भी स्कूल जाता। मतलब एक, अब ऐसा नहीं कि अभी बहुत फील होता है कि मेरे को, पर लेकिन मामा के चले जाने के बाद बचपन में ही ताई जी ने हमारे पाला, तो हमारी ताई जी भी बहुत बचपन में ही छोड़ के चली गई। तो उस दौरान से ही ये सब मेहनत करके, तो एक सपना था कि चलो ठीक है कि पढ़ाई नहीं कर पाई, तो कम से कम ये जो मेरा एक अंदर से पैशन था। तो हम लोग जब मैं रिक्शा चलाता था, सीखता था, तो वहीं एक दादा का ढाबा था, हमारे
पहाड़ी अंकल है तो ढाबा था। तो उस टाइम क्या होता था ना सर, मैं इतना काम नहीं कर पाता था कि उसे भाड़ा भी देना। जब अपन साइकिल रिक्शा चलाते हैं ना तो बॉडी खून जलता है, पसीना निकलता है लेकिन खून जलता है पेट्रोल की जगह। तो खाने पीने में थोड़ा सा कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, भूख लगती थी, दूर दूर जाते थे चलाने के लिए, दो दो तीन तीन सवारी बिठा के चलाते थे। तो उस तो फिर रात को क्या करता था, मैं उनके सारे बर्तन धो देता था, बड़े बड़े पतीले, ठीक है। तो वो जो खाना रह जाता था तो दादा खिलाते थे। और फिर वो सबसे बड़ी बात है कि वो इतने शौकीन थे गाने के, तो कहते थे विशाल तू आ इधर, तो जो भी छोटा मोटा काम था उनका करवा के, तो खाना वाना खा के फिर रात को उनके साथ बैठ के वो गाने सुनाता था। थोड़ी बहुत रात गुजर जाती थी क्योंकि सुबह फिर उठना होता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें शुरू की और गाना लिखना शुरू किया। फिर एक रेडियो था मेरे पास, उसके बाद मैंने एक वॉकमैन ख़रीद लिया, वो उस टाइम वॉकमैन आता था तो सेल डाल के, तो उस पर अपन गाने रात को सुनते थे। ये जो जो पहला रियलिटी शो किया आपने, कहाँ से शुरुआत हुई कुछ? मैं एक्चुअली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, सुबह का टाइम था और अक्सर करके मैं राजधानी को बहुत पसंद, मैं सोचता था कि जो भी राजधानी से निकलेगा तो कोई ना कोई एक्टर होगा या डायरेक्टर होगा या म्यूजिक डायरेक्टर कुछ भी होगा। तो एक मेरा पैशन था कि मतलब मैं कोई भी राजधानी की सवारी लेके जाऊँगा और गाने गाऊँगा, शायद वो ये कहें कि विशाल बॉम्बे आओ और हम तुमको चांस देंगे। तो देखा कि बहुत सारे लोग परेशान, एक हस्बैंड वाइफ थे उनके साथ एक बच्चा था, तो परेशान हो रहे थे, उनको नोएडा जाना था। तो मैंने उन देखा काफ़ी देर, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इतने पैसे लगेंगे अगर आप टोल देंगे तो, मैंने कहा आपको छोड़ दूँगा मैं, तो उनको लेके जा रहा था। तो देन मैं जब रिटर्न आ रहा था परी चौक से, तो देखा कि क्योंकि जैसे कि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं है, तो देखा कि सोनू जी और श्रेया जी और सलीम सुलेमान जी की तस्वीर लगी हुई थी। और उसके बाद क्या कहते, देखा तो माइक लगा हुआ था, तो मुझे फैक्टर पढ़ना नहीं, एक्स फैक्टर एक्स आ रहा था पढ़ना, लेकिन दम फैक्टर नहीं। तो देखा जाके उधर लाइन लगी बहुत बड़ी बड़ी लाइन, तो सब लोग गा रहे हैं गिटार लेके, कुछ ना कुछ गा रहे हैं। मैं रिक्शे की वर्दी में और शेप बड़ी हुई है, जूते फटे हुए हैं, हाँ गमछा डला हुआ है, तो मैं लाइन में लगा। तो दो चार पाँच लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि लोग देखते हैं कि यार ये क्या है कैसे हैं। तो किस्मत इतनी अच्छी कि उधर से जो एंकर थे शो के और वो आए रियलिटी शूट करने के लिए। तो उन्होंने कहा भैया क्या करते हैं आप? तो हमने कहा सर हम तो रिक्शा चलाते हैं और गाने का बड़ा बचपन से ही शौक है। तो उन्होंने क्या किया कि हमको फटाफट से जहां मेन जजेस बैठे थे तो उन लोग के सामने मुझे खड़ा किया, हमसे पूछा गाने वाने सुने उन्होंने। तो जब मैंने गाना गाया और उन्होंने फिर वो बोला सेलेक्ट हो गए आप, तो रियलिटी शूट कर रहे थे वो एक्चुअली रिक्शे का। तो कुछ लोग बोले कि आजकल तो रिक्शे वाले भी सिंगर बन जाते हैं, हमको तो चांस नहीं दिया। तो हमको बड़ा हमने उनको बोला, हमने कहा क्यों, रिक्शे वालों के सीने में दिल नहीं होता है क्या, क्या उनका कोई हक नहीं है सपना पूरा करने का? तो ऐसे मुझे चांस मिला। तो दो महीने के बाद जब मैं मेरे को कॉल आया चैनल से, तो अब वो बोले कि मेल आईडी भेजो। तो हमको क्या पता मेल आईडी क्या होता है, हमने कहा गूगल तो हमने सुना है, मेल आईडी तो नहीं सुना है। तो उन्होंने ट्रैक भेजा और देन फर्स्ट टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं राजधानी में बैठा था जब मैंने रियलिटी शूट किया शो किया। तो यहाँ आया मुझे फाइव स्टार होटल मैंने देन फर्स्ट टाइम देखा, और इतना मतलब मुझे सब फाइव स्टार होटल सिखाया, अच्छा खाना अच्छा रहना और अच्छे गुनीजन मिले, जिनसे मुझे पता चला कि मैं बहुत मतलब मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और वो शो किया और हिंदुस्तान की जनता का मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ कि इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना प्यार दिया, खास करके सोनू सर, श्रेया जी, संजय जी, चैनल, एक्स फैक्टर और प्रोडक्शन पूरा, मतलब इतना प्यार दिया कि मैं अपने आप को कह नहीं सकता हूँ कि एक्चुअली मम्मी को तो मैं बहुत मिस करता हूँ, और काश आज मेरी माँ होती तो शायद ये मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समाती कि आज मेरा बेटा मतलब एक मतलब होता है ना सॉरी। तो मुझे इतना प्यार दिया बड़े बुज़ुर्गों का, माँ की तरह, भाई बहनों की तरह, सब ने इतना हमको प्यार दिया, आज इस मुकाम पे खड़ा किया है कि देखिए आज आपके साथ हूँ। जहाँ भी हमको मिलता है मौका, लेकिन हम अपनी बिटिया को अपनी
माते बोलते हैं कि हमारी बिटिया और हमारी वाइफ, और जब से वो लोग ज़िंदगी में मेरी आए हैं तब से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम गाते तो पहले भी थे लेकिन जो हमारा मुकद्दर चमका हमारी जो वाइफ हैं और हमारी बिटिया के आने से। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं, लेकिन मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं माँ बाप के ऊपर कभी। बेटियाँ अपने मुकद्दर के साथ अपने माँ बाप का भी मुकद्दर लिखवा के लाती हैं, और जब क्या कहते हैं वो विदा होती हैं, घर छोड़ के जाती हैं, तो उस फैमिली का मुकद्दर लिखवा के लेके जाती हैं अपना। विशाल जी, कहानी तो आपकी मैंने पहले टीवी पे देखा था, अभी हम लोग रूबरू बात कर रहे हैं जी। तो मैं भी नहीं रोक पाया इनफैक्ट अपने आप को। और लेकिन जो आपने अभी आपकी हाल में रिलीज़ हुई थी एक जोगीरा करके गाना रिलीज़ हुआ था, और भी चांद मेरा दिल रिलीज़ हुआ था, गाने को इनफैक्ट आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया जी। और इसके बाद क्या करने वाले हैं आप, जो फिल्मों में कर रहे हैं? मैंने सुना आप भोजपुरी में भी एक गाना अभी आप डेब्यू करने जा रहे हैं, तो आपको जो आपकी आवाज़ है भोजपुरी में, जो गिने चुने ही कुछ लोग हैं उनको, मुझे मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत कड़ी टक्कर देने वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बहुत सारे सिंगरों को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आपको क्या लगता है कैसा गाना है, क्या है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत गाना मुझे मिला, और एक मेरा सपना था कि मैं सिंगिंग गाने के साथ साथ कि मैं भोजपुरी करूँ, और मुझे जो ये गाना मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और मुझे गा के बहुत मज़ा आया, और इस गाने से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं किसी को टक्कर दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो भी कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इस गाने में मुझे गाने का मौका मिला और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है। ये गाना जो हो रहा है विशाल भाई, ये गाना जो हो रहा है वो किशन राय के ऊपर फीचर हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं मिला उनसे, किशन राय जी से, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अच्छी सेलिब्रिटी के साथ मुझे प्लेबैक करने का मौका मिला जी। थैंक यू विशाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग बहुत जल्दी रूबरू हो। थैंक यू।